सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः सभी का शिक्षा समाचार चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा एकलव्य जो विद्यालय संचालित किए जाते हैं यानी ट्राइबल्स जो एरियाज हैं उनमें कुछ ऐसी स्कूलें बना रखी है गवर्नमेंट ने जिसमें केवल ट्राइबल एरियाज़ के स्टूडेंट्स ही पढ़ पाते हैं। उनके लिए जो स्कूलें आवासीय स्कूलें होती है वो संचालित हो रही है, उनमें टीचिंग स्टाफ्स के लिए वैकेंसी निकली हुई लगभग 4000 पदों के लिए। उसमें आप लोग आवेदन किस प्रकार से करेंगे, क्या योग्यता चाहिएगी और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, सलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका शुल्क क्या रहेगा, सारी प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है साथियों, सीधा मैं विज्ञप्ति खोलता हूँ और अपन उस पर चर्चा करेंगे उसमें क्या दे रखा है। देखिए साथियों, ये लगभग 30-40 पेज की लंबी विज्ञप्ति दे रखी है इन लोगों ने। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा जान लेते हैं कि क्या है वैकेंसीज, कौन आयोजन करवा रहा है। देखिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल यानी आवासीय एकलव्य जो विद्यालय हैं उनमें रिक्रूटमेंट निकला है। उसमें देखिए क्या निकला है। यह 2023 की वैकेंसीज है, इस पे इन्होंने इंडेक्स बना रखा है, कौन से पेज पे क्या दे रखा है वो अपन देखेंगे इसमें पूरा। देखिए, ये इंट्रोडक्शन है नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी इसमें जो स्कूल्स बने हैं वो स्कूल क्लास 6 to 12 कहाँ तक चलते हैं, क्लास 6 से लेकर के 12 स्टूडेंट्स बिलोंग टू ST कैटेगरीज, जो ST कैटेगरी के बच्चे हैं उन कैटेगरी के बच्चों के लिए सेपरेट हॉस्टल्स बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बने होते हैं। टीचर्स की फैसिलिटी, मैच, प्लेग्राउंड, सारी कुछ सुविधाएं उसके अंदर होती है, तो उसके लिए टीचर्स की आवश्यकता है गवर्नमेंट को। तो देखिए उसमें क्या रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बच्चों के लिए, ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है इसमें, आप लोग ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 31 जुलाई 2023 यानी 31 जुलाई 2023 तक हम लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है साथियों, इसमें प्रिंसिपल पोस्ट के लिए फीस है वो 2000 रुपये निर्धारित की गई है। PGT यानी प्राइमरी टीचर्स जो हैं उनके लिए है वो 1500 रुपये हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कुछ वैकेंसीज है उसकी फीस है वो 1000 रुपये है। ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से करने होंगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तय नहीं हुई वो आपको वहाँ मिल जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स 180 मिनट्स फॉर टीचिंग स्टाफ और 150 मिनट्स फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ्स, ये इसका एग्जाम पैटर्न आगे आप लोग उसमें चर्चा करेंगे। एडमिट कार्ड आपको जो होगा उसमें आपका सेंटर का आपको मालूम पड़ जाएगा। इसमें एक लाइन इन्होंने और लिखी थी, नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST PWBD कैटेगरीज यानी जो SC ST कैटेगरीज से बिलोंग करने वाले हैं उन लोगों को इसमें फीस देना नहीं होगा, आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है साथियों, तो जो भी साथी हैं इसमें यदि वो योग्यता रखते हैं तो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, वो योग्यता यदि आप रखते हैं तो आप इसमें आवेदन अवश्य करें, क्योंकि कई वैकेंसीज ऐसी होती है जिसमें पद बहुत कम होते हैं, लोगों को जानकारी बहुत कम लोगों तक उसकी पहुंच पाती है, इसलिए कम लोग आवेदन करते हैं, तो आप लोग इसमें आवेदन अवश्य करिएगा। देखिए इसमें अब पदों का विवरण दे रखा है, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 303 पद हैं, PGT के लिए 2266 यानी 2266 पद है, अकाउंटेंट के लिए 361 पद हैं, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी JSA के लिए 700 जिसको हम लोग LDC बोलते हैं अपने यहाँ लोकल भाषा में, लैब अटेंडेंट 373, टोटल हो गई 4262 पोस्ट हैं। ठीक है साथियों, इसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज प्रिंसिपल के लिए अनरिजर्व 125 हैं, EWS के लिए 30 हैं, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 81 हैं, SC के लिए 45, ST के लिए 22, टोटल 303 पोस्ट हैं, ये जो विकलांग वगैरह उनके लिए दे रखा है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी PGTs के लिए क्या दे रखा है, देखो इंग्लिश के लिए 246 पोस्ट है, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कुल मिलाकर के 2086 पद है वो दे रखे हैं PGT के लिए। उसके बाद आप लोग देखेंगे जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें देखिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसके 759 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट के 361 पद हैं, लैब अटेंडेंट के 373 पद हैं, कुल 1493 नॉन टीचिंग्स के लिए है। ठीक है साथियों, ये इन्होंने दे रखा है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं, देखिए अब आप लोगों को पे क्या मिलेगा,
यदि आप प्रिंसिपल पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो लेवल 12 रहेगा, जिसमें आपको मिनिमम 78,800 से लेकर के 2,09,200 तक का पेमेंट मिलने वाला है। पीजीटी टीचर्स के लिए L8 जिसमें 47,000 कम से कम पेमेंट रहेगा। अकाउंटेंट के लिए L6 जिसका कम से कम 35,000 रहेगा पेमेंट। JSA जिसका L2 रहेगा जिसका कम से कम 19,900 रहने वाला है। और लैब अटेंडेंट के लिए L1 रहेगा जिसके लिए कम से कम 18,000 है वो पेमेंट रहने वाला है। ठीक है साथियों, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये OMR सीट बेस्ड है, वो पेन पेपर परीक्षा होगी, ऑनलाइन आधारित पे नहीं होने वाली है, ये आपकी ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में से जो भी आपको ठीक लगे, जो आपके लिए सूटेबल उसमें एग्जाम दे पाएंगे। एग्जाम पैटर्न्स देखिए, आप लोग अपन एग्जाम पैटर्न की चर्चा करें तो प्रिंसिपल पद के लिए एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप 130 मार्क्स एंड लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट 20, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू 40 मार्क्स का होगा, यानी टोटली कितना हो गया 150 और 40 190। अब पेपर में देखिए 150 का जो पेपर आएगा वो 3 घंटे के लिए रहेगा, इसमें क्या क्या आने वाला है, पार्ट वन में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज रहेगी, जिसमें 10 जितने प्रश्न हैं उतने ही नंबर का होगा, यानी 150 प्रश्न आएंगे तो 150 नंबर का ही वो पेपर होने वाला है। अब जनरल अवेयरनेस के लिए 20 प्रश्न आने वाले हैं, पार्ट थर्ड में लैंग्वेज जिसमें आप लोग इंग्लिश या हिंदी 10 नंबर आपको इंग्लिश के रहेंगे और 10 भी हिंदी के रहेंगे। पार्ट फोर में एकेडमिक एंड रेजिडेंटल एक्सेप्ट यानी जो आवासीय विद्यालय उनके बारे में जो उनकी नीति बनी हुई उसके बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस यानी वित्त विभाग क्या रहेगा उसमें सारा को सिलेबस है वो विस्तृत इनकी इस वेबसाइट पे दे रखा है। ठीक है साथियों, जो पीजीटीज पद हैं उनके लिए आप लोग देखेंगे, पार्ट वन में रहेगा जनरल अवेयरनेस, सेकंड में रहेगा रीजनिंग, थर्ड रहेगा जनरल नॉलेज ICT और फोर्थ रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड और पांचवा रहने वाला है डोमेन नॉलेज यानी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट का रहेगा इसमें आपके टोटली कितने 85 नंबर का रहने वाला है, तो ये रहेगा आपका 130 नंबर का। उसके बाद छठा पार्ट रहेगा आपका लैंग्वेज का जिसमें इंग्लिश और हिंदी आप लोगों को है वो रहनी होगी। देखिए दिस पार्ट्स भी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद 40% यदि आप मिनिमम मार्क्स लाएंगे तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब हम लोग आगे देखें तो अकाउंटेंट पद के लिए आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स में पेपर आने वाला है। देखिए उसमें भी रीजनिंग, जनरल नॉलेज और बेसिक नॉलेज और कंपिटिटिव जो लैंग्वेज का रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी का रहने वाला है। उसके बाद अपन पांचवा भाग देखें तो इसमें सब्जेक्ट का नॉलेज आपको अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेस, अकाउंटेंट का वगैरह का जानकारी होना चाहिए। जूनियर जो असिस्टेंट रहने वाले हैं उनके लिए भी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस वगैरह ये रहने वाला है, यानी सिलेबस सभी के लिए लगभग सेम सा है। स्टेज सेकंड देखिए, फर्स्ट स्टेज तो हो गया आपका एग्जाम का, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद क्या होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन PC पर्सनल कंप्यूटर ओनली। कैसे होगा देखिए, 50 नंबर का होगा। पासिंग मार्क्स किसके लिए, ये केवल इनके लिए जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जो है ना, ये दोनों इन दोनों पदों के लिए, ये जो अकाउंटेंट और ये जूनियर असिस्टेंट जो पद हैं इनके लिए है वो सेकंड पार्ट्स में क्या रहेगा, टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। अब लैब अटेंडेंट है उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला, देखिए रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा, लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश और हिंदी, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी जिस सब्जेक्ट से वो बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड आपको सवाल होंगे। या मार्किंग स्कीम आपको माइनस मार्किंग भी इसमें रहने वाला है, सारा कुछ इसमें दे रखा है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में इन लोगों ने दे रखा है कि आप लोग 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप यदि कैटेगरीज का लाभ लेना चाहें तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है पहले से ही। ठीक है साथियों, इसमें इन्होंने मोटा मोटी ये चीज़ें दे रखी है। अब आपको आगे हम लोग देख लेते हैं इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, ये एज लिमिट और योग्यता। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप 50 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। आपको एकेडमिकली मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी आप MA+ BEd ये होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस, पर्सन हैविंग 12th ईयर कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल PGT TGT विथ मिनिमम 4 ईयर्स एट PGT एंड एबो। आप लोगों के पास कम से कम कितने साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उसमें भी कम से कम 4 साल का PGT का पद पर आप टीचर्स रहे हुए हो ये अनुभव होना जरूरी है। ठीक है साथियों, डिजरेबल एक्सपीरियंस वर्किंग इन फुली रेजिडेंटल स्कूल, प्रोफेसेंसी इन इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आप लोगों को एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग
इन ए फुली रेजिडेंटल स्कूल, ये जो एक्सपीरियंस है आपका 12 साल का, ये किसी भी प्रकार की जो रेजिडेंटल स्कूल चलती है उसमें यदि आपने काम कर रखा है तो वो काम आने वाला है। अब जो पीजीटी पद निकले हैं उसके लिए आपकी मैक्सिमम उम्र है वो 40 साल होनी चाहिए और गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको छूट भी दी है ऊपरी आयु में। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं अप्लाई उसमें। उसके बाद आप जैसे इंग्लिश से हैं तो आपको इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना जरूरी है, यदि आप हिंदी से कर रहे हैं तो आपको हिंदी, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट में आपको पीजी यानी एमए होना कंपलसरी है। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव विल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी आप है वो दूसरे सब्जेक्ट से कर रखा है जैसे हिंदी से कर रखा है, आप इंग्लिश से भरना चाहें या हिस्ट्री से भरना चाहें तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे साथियों। अब आगे देखिए पीजीटी के लिए, और ये एक बीएड होना जरूरी है आपको इन केस ऑफ इंडिकेटेड 4 इयर्स, यदि आपने बीए बीएड कर रखा है तो ओके चल जाएगा। यानी कुल मिला के पीजीटी के लिए आपको एमए प्लस बीएड होना जरूरी है। पीजीडी कंप्यूटर साइंस में जो व्यक्ति आवेदन करना चाह रहे हैं उनको एमएससी एमसीए और एमई एमटेक वगैरह होना जरूरी है। अकाउंटेंट के लिए डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं उन साथियों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि उनके लिए वैकेंसीज बहुत कम आती है, तो आप अकाउंटेंट की पद पे लग सकते हैं। ठीक है साथियों, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसको हम लोग एलडीसी बोलते हैं उसके लिए सीनियर सेकेंडरी 12th पास होना जरूरी है। ठीक है साथियों, बोर्ड मैक्सिमम स्पीड आपके वो जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा उसमें आपको कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में और 30 वर्ड आपको हिंदी में टाइप करना आना चाहिए। अब लैब अटेंडेंट हैं उसके लिए 10th क्लास विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक के साथ आप लोगों को 10th उत्तीर्ण होना जरूरी है, या फिर 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यदि आप 12वीं साइंस से पास हैं तो भी आप इसमें लैब वाले में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये था इसमें मोटा मोटी जानकारी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये एज का कैटेगरीज के अनुसार छूट वाला इसमें दे रखा है इन लोगों ने। आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन ओएमआर सीट बेस्ड होने वाला है, इसमें इंटरव्यू का दे रखा है तो इंटरव्यू केवल प्रिंसिपल के लिए होने वाला है। जो भी पीजीटी अकाउंटेंट एलडीसी वगैरह जो भी पोस्ट हैं अन्य, उसमें किसी में भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। दो तरह की पोस्ट है उनमें केवल टाइपिंग होना है, प्रिंसिपल की जो पोस्ट होगी उसमें एग्जाम के बाद है वो इंटरव्यू भी होगा, लेकिन जो दूसरे पोस्ट हैं उनमें इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है साथियों, ये इसमें था सब कुछ, अपन देख चुके हैं इसमें, ये इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें मोटे मोटे जो इंस्ट्रक्शंस थे उन पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इन्होंने एनेक्सर दे रखे हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप लोगों को ये एनेक्सर देना होगा। यदि आप पहले से गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं तो आप लोगों को जिस भी डिपार्टमेंट पोस्टेड हैं उससे आपको एनओसी लेना जरूरी है, बिना एनओसी आप अप्लाई ना करें ताकि आपको आगे जाकर के सिलेक्शन के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे प्रत्येक स्टेट वाइज, यहाँ लिस्ट दे रखी है आप लोग देख पा रहे होंगे कहाँ कहाँ सेंटर्स रहने वाले हैं। जैसे हम झारखंड की बात करें तो रांची रहेगा, कर्नाटका में बेंगलुरु रहने वाला है, केरला में देखिए लद्दाख में देख लीजिए आप लेह रहने वाला है, मणिपुर में आपके इम्फाल रहने वाला है, महाराष्ट्र है वो मुंबई में रहने वाला है, पंजाब का सेंटर चंडीगढ़ में रहने वाला है, राजस्थान में देखें तो जयपुर में रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम लोग लखनऊ और देहरादून दो जगह पे सेंटर रहने वाला है। नहीं, इन लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में 37 सेंटर पे है वो एग्ज़ाम आयोजित होगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप लोग देख पाए होंगे कि ये वैकेंसी आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यदि आपके पास इस प्रकार की कोई योग्यता है तो आप लोग इसमें आवेदन अवश्य करिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी जो वैकेंसीज निकलती है इसमें बहुत कम लोग आवेदन करते हैं और कम लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच पाती है, इसलिए आप लोग इसमें आवेदन से वंचित न रहिएगा। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा क्योंकि आप हमें लंबे समय से देखते आ रहे हैं और हमारे जो भी वीडियोज़ बनते हैं उसमें आप लोगों का जो विश्वास और जो एक अपनापन है वो ऐसे ही बना रहे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।